साइज बना रहे ना, साइज बनाते मार दे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम फिर से स्नेक रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे पास ये कॉल गई थी काफ़ी दूर से। अभी हम पहुंच चुके हैं मौके पर जहां पर ये सांप देखा गया था, तो अभी देखेंगे आगे ये कहां पर ये सांप छुपा है और कौन सा सांप है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आगे, क्योंकि अभी लोग बता रहे थे कि वो ऊपर ही था, लेकिन इस समय जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हो सकता है वो कहीं नीचे घुस गया हो। तो कुछ देर हम देखेंगे उसको और उसके बाद में जब दिखता है तो आपको निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आगे देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है गांव वाले जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, कुछ ही देर में निकाल के दिखाएंगे कि सांप कौन सा है। यहाँ पर नीचे जो जगह है वो काफ़ी उसमें गैप है, तो हो सकता है वो नीचे हो। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, आगे अभी आपको बताते हैं। देखिए हमारा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। काफ़ी यहाँ से हमने जो ये सीमेंट के पट यहाँ पर पड़े हुए थे काफ़ी हटा चुके हैं। अभी हमें जो है सांप दिखा नहीं है कि कौन सा सांप है, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में। अभी जब मेरे पास फ़ोन गया था तो बताया गया था कि यहाँ पर एक अजगर सांप है, तो देखते हैं कि अजगर है या कौन सा सांप है। तो आप हमारे साथ बने रहें अभी कुछ ही देर में, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो उनके सहयोग से हम अभी देख रहे हैं कि कौन सा सांप है। कुछ ही देर में आपको निकाल के दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। ये आप देख सकते हैं गांव के जो लड़के हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तो आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में। कुछ ही देर में हम दिखाते हैं निकाल के कि सांप कौन सा है। ये यहाँ पर जो है ना ऊपर से पट पड़े हुए थे, तो नीचे काफ़ी खोखली जगह है वहाँ पर, तो जिससे कि हो सकता है कि वो अंदर ही हो। तो हम लगे हुए हैं इस समय, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस समय जैसे ही हमने ये सीमेंट का जो पट बना हुआ है, जैसे ही हमने इसको ऊपर किया, तो मुझे वो स्नेक अभी इसमें दिख चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो लड़के हैं वो थोड़ा डर रहे हैं, दिख चुका है। तो मुझे भी वो अजगर ही अगर लग रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया था कॉल करके कि हमारे यहाँ पर एक अजगर है। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसको थोड़ा उठा करके उसको निकालेंगे। देखिए होता क्या है, कभी कभी हम जो है हमारे खेतों में एक सांप निकलता है जिसको हम रसल स्वाइपर बोलते हैं हिंदी में, इसको कुछ लोग चित्ती कह देते हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग जगह पर अलग इसको नाम दिया गया है। तो कुछ लोग उसको जो है अजगर समझने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अजगर एक नॉन वेनमस स्नैक होता है जिसके काटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये काटता बहुत तेज़ है, तो इसलिए इससे भी थोड़ा आप दूरी रहें। लेकिन जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ चित्ती, ये काफ़ी जहर वाला सांप होता है, तो इससे आप दूर रहें। अजगर समझने की इसको भूलना करें। जैसा कि आपने देखा अभी हमने इसको उठाकर देखा पट को, तो ये जो है ये अजगर का ही बेबी है, अजगर बेबी है, छोटा है कुछ। तो फाइनली जो हमें गांव वालों ने जो है इन्फॉर्मेशन दी थी, उनकी इन्फॉर्मेशन सही निकली है, अजगर ही है। कभी कभी कई बार ऐसा हुआ है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि अजगर है, अजगर के चक्कर में हमने जब जाकर देखा तो वहाँ पर हमें रसल स्वाइपर यानी चित्ती सांप ही मिला है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये अजगर का ही बेबी है। अभी हमने इसको जैसा कि ये देख रहे हैं रेस्क्यू कर लिया है, अभी हम इसको लेकर चलते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें थोड़ा जो है नॉलेज होगी तो हम अपनी जान को और अपने जान पहचान वालों की जान को बचा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये एक अजगर स्नेक है, इसके ही हूबहू एक जो है मैंने पहले ही बताया रसल स्वाइपर होता है। अभी आगे भी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो उसको देखते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी रहें। ये भी कोई भी स्नेक को जब खतरा देखता है तो अटैक करने की कोशिश करता है। ये काफ़ी इस समय आक्रामक हो रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग गया इसको सर्च करने में, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे थे। तो इस समय काफ़ी आक्रामक रूप में है, ये काटने की फिराक में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी ज़ोर से अपना मुँह फैला रहा है, तो ये जब बाइट करता है, जब काटता है, तो कभी कभी इतनी तेज़ी से बाइट करता है कि हमारा जो जहाँ पर काटता है, यहाँ पर बाइट करता है, वहाँ पर जो है मांस तक इसके जैसा है।
ये छोड़ देगा इसके जैसा बिल्कुल, एक स्नैक निकलता है रसस भाई पर। मेरा बिजनौर योगा बॉय के नाम से यूट्यूब चैनल है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, सांपों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज हम आपके गांव में, कौन सा गांव है ये? मिलक मिलक जागीराबाद में आए हैं। काफी मेरे गांव से काफी दूर है, लगभग 40 किलोमीटर इधर राजा के ताजपुर से आगे पड़ता है। अच्छा अच्छा, फोन कर दिया ना सुबह भैया ने, फोन किया था। क्या नाम भैया आपका? सुरजीत शर्मा नाम मेरा, सुरजीत। सुरजीत शर्मा ने हमें कॉल करी थी। आज हम बिलक में पहुंचे और हमने ये अजगर है, अभी तो ये बेबी है, बेबी अभी छोटा है, अभी बच्चा है, तो ये हमने रेस्क्यू किया। इसके सेम जैसा हमारे खेतों में एक रसल्स वाइपर निकलता है, इससे इसके काटने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो रसल्स वाइपर आपको वाइप कर लेता है, काट लेता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। अगर आपको रसल्स वाइपर इसके जैसा कुछ कुछ आप, इसको चित्ती बोलते हैं, हम चित्ती बोलते हैं, धामड़ बोल देते हैं कुछ लोग, सब अपनी भाषा की अलग है। तो वो अगर वाइट करता है, आपको काटता है, तो सीधे हॉस्पिटल जाएं, उसी से बना एंटीवेनम लेंगे तो आपकी जान बच सकती है। नहीं तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो जान भी जा सकती है। झाड़ फूक से हम जब बचते हैं, जब हमको कोई बिना जहर वाला सांप काटता है, हम तभी बच सकते हैं। जब कोई बिना जहर वाला में सांप बाइट करता है ना, तो हम बच सकते हैं झाड़ फूक से। और अगर जहर वाले ने काट लिया, कितनी भी आप झाड़ फूक बनाते रहें, करवाते रहें, कभी भी आप बचेंगे नहीं जब तक आप सही इलाज नहीं लेंगे। तो ये अजगर है, साउंड बहुत तेज करता है, और जब कुछ बड़ा होता है तो ज्यादा अटैक भी कर देता है कभी कभी। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग ये बनियर का होगा। तो मैं लगभग, मुझे लगभग काफी समय हो चुका है, 10-12 साल हो चुके हैं और ज्यादा ही हो गए होंगे। मैं इसे ही कार्य करता हूँ, जीवों को बचाना, सेफ उनको ले जा करके मैं छोड़ देता हूँ जंगल में। यूट्यूब पे आप सभी मेरा नेक्स्ट चैनल सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सांपों से या और भी जीव जंतुओं से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको चैनल पर मिलती है। नंबर बता दो अपना नंबर। मेरा नंबर 999-724-2828 जी। बिजनौर योगा बॉय के नाम से मेरा चैनल है, बहुत दिन से उसको सब्सक्राइब कर लें सभी, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ अभी स्विच होगा इसके साथ रहेगा। हाँ एक और है, इसका मुंह खुला है भैया, मुंह। तो आज ये भैया ने ये रिस्क क्या है? देखिए सांप हमें जब भी बाइट करता है ना, वो दबाव में करता है, जब कभी दब जाता है, कुछ हो जाता है तो बाइट कर देता है। जो है बाइट के हिसाब में है। हाँ जी, ऐसे बना रखा है इसने, ये खास कर ये तो बना ही रहा है। देखिए जो रसल्स वाइपर होता है ना, जिसको हम अजगर समझने की बच्चे कभी कभी भूल कर देते हैं, वो जब एस की आकृति बनाता है तो लगभग उसकी ये रेंज है कि वो 3-3.5 फुट ऊपर फुट तक जम करके जो है बाइट कर देता है। ठीक है तो पैक कर दें इसको। हाँ जी पैक कर दें। इसका इसके जो काटने से तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी जब जैसे आप बता रहे हैं ना, ये जब फंदा मारता है तो फिर छोड़ता नहीं है। ये जब लपेटे मार ले।